पार्ट नंबर 2 कंप्लीट कर चुके थे, उसके भी अभ्यास कार्य कर रहे थे हम, जिसमें हमने प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 3 तक कर चुके थे। आपने उसका वर्क भी किया, चेक भी करवाया। अब देखिए आज हम करेंगे प्रश्न संख्या 4। देखिए प्रश्न संख्या 4 में आपसे पूछा क्या है और हमको उसमें करना क्या है। देखिए मंजूषायां प्रदत्ते कर्त्री पदे रिक्त स्थानी पूर्यते। मंजूषा में क्या है, इस मंजूषा में, यानी कि इस तरीके से इसमें ब्रैकेट है आपका, इसको मंजूषा बोलते हैं संस्कृत भाषा में। इसमें अनेक शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों से हमको कर्ता, यहाँ पर जो उचित कर्ता पद है अर्थ के अकॉर्डिंग और धातु के अकॉर्डिंग, वही को कर्ता पद इसमें फिल करना है। अब देखिए सबसे पहले हमने आपके लंग लकार के जो रूप होते हैं प्रथम पुरुष के, अततम अन होते हैं, अततम अन। अब देखिए सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर का, इस जो वाक्य है इसमें आपका धातु कौन सी है, अन बहुवचन है, तो यहाँ पर बहुवचन का कर्ता आएगा छात्र। लेखन हम कौन लिखेगा, अनेक छात्र लेख लिखे, अनेक छात्रों ने क्या लिखा, लेख लिखा। लेख लिखा क्यों बोला, क्योंकि ये लंग लकार का है, यानी कि क्रिया हो चुकी है। उसके पश्चात देखिए ख है अपना, आपनम अगच्छताम, बाजार को गए, कौन गए, देखिए यहाँ पर ताम क्या है, द्विवचन है, तो यहाँ पर महिले द्विवचन है, तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, महिले, महिले बाजार को, दो महिला बाजार को गई। अब देखिए उद्याने अभ्रमत, बगीचे में घूमता है, कौन घूमता है, वृद्धा, वृद्धा क्या है, एक वचन है, तो यहाँ पर आपका देखिए अर्थ क्या है, एक वचन है, तो यहाँ भी क्या आएगा, एक वचन का कर्ता। देशम आरक्षण, आरक्षण क्या है आपका, देखिए बहुवचन है, ये बहुवचन है आपका, ये आपका द्विवचन है आपका, और ये आपका एक वचन है। अब देखिए यहाँ पर बहुवचन की आपकी वो है, तो से देश की रक्षा कौन करता है, सैनिक, तो क्या आएगा, अनेक सैनिक देश की रक्षा की, अनेक सैनिकों ने देश की रक्षा की, सैनिक आएगा। अब देखिए नेक्स्ट है आपका भोजनम अपचत, भोजन पकाया, तो भोजन किसने पकाया, सूर्य, एक वचन है, क्रिया भी आपकी क्या है, एक वचन की है। उसके पश्चात देखिए गुरुम अनमतम, दो गुरु को नमस्कार किया, अब देखिए किसने किया, तो यहाँ दो बालकों, दो बालकों, दो बालकों ने गुरु को नमस्कार किया, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपकी धातु द्विवचन की, इसलिए हमने कर्ता भी द्विवचन का ही रखा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, फिफ्थ नंबर का प्रश्न है, इसमें क्या पूछा है, निम्नलिखित नाम लंग लकार से प्रथम पुरुष रूप का नहीं लिखत। इसमें कुछ आपकी धातु दी गई है, जैसे हस धातु, पच धातु, ब्रह्म धातु, भू धातु, ठीक है, अलंत आएगा यहाँ पे, लिख धातु, खन धातु, चल धातु और बद धातु। देखिए हस मतलब होता है हंसना, पच मतलब पकाना, ब्रह्म मतलब घूमना, भू मतलब होना, भव होना, इसका अर्थ होता है होना। उसके पश्चात देखिए लिख, लिख मतलब होता है लिखना, खन मतलब होता है खोदना, और चल मतलब चलना, और बद मतलब बोलना। अब इसके देखिए किस तरीके से मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर प्रथम पुरुष के लंग लकार के रूप लिखे हुए हैं अततामन। अब प्रत्येक धातु में आपको अततम अन जोड़ के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन से लिखना है। देखिए ये आपका एक वचन रूप बना, ये आपका द्विवचन रूप बना, और ये आपका बहुवचन रूप बना। अब देखिए इसमें हमको क्या परिवर्तित करना है, जैसे हस अहसत, अहसताम, अहसन। उसके पश्चात देखिए पच मतलब पकाना, अपचत, अपचताम, अपचन। उसके पश्चात देखिए भ्रम घूमना, अभ्रमत, अभ्रमताम, अभ्रमण। उसी प्रकार से भू होना, तो कैसे बनाओगे, अभवत, अभवत, अभवताम और अभवन, ठीक है। अब जो आगे आपको दिया गया है लेख, खन, चल, बद, ये आपको खुद को बनाना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका कौन से नंबर का, 6 नंबर का। देखिए 6 प्रश्न आपका है, उसमें हमको क्या पूछा है, देखिए प्रश्न नंबर 6, इसमें आपको वाक्य को क्या करना है, लंग लकार में परिवर्तित करना है, लंग लकारी परिवर्तित, लंग लकारी परिवर्तना, जो वाक्य दिए गए हैं उनको आपको लंग लकार में चेंज करना है। किस तरीके से करना है, देखिए जैसे एक दिया गया आपको नर उद्धाने, नर उद्धाने भ्रमती। अब देखिए यहाँ पर भ्रमती दिया गया है, यहाँ पर क्या है, ये तो आपके वर्तमान काल के हैं और ये आपके भूतकाल के हैं, ठीक है। वर्तमान काल के जो रूप चलते हैं तीते अंति प्रथम पुरुष के,
अब हमको जो आपको ये मिलेगा, क्या धातु जिसकी मिलेगी आपको उसी को उसमें परिवर्तन करना है, किसमें? भूतकाल में। देखिए ब्रह्मति है यहाँ पर, तो आप इसको भूतकाल में चेंज करोगे तो किस तरीके से करोगे? नरह उद्धाने, क्या आया? ती आया तो उसके स्थान पर क्या आएगा? अत आएगा, तो आ भ्रमत। आ प्रारंभ में जुड़ता है, लंग लकार में क्या होता है? ए प्रारंभ में जुड़ता है, ए प्रारंभ में जुड़ता है, ये ध्यान रखना, इसकी पहचान है, जुड़ता है। देखिए यहाँ पर क्या आएगा? अभ्रमत। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए कह दिया गया है आपको बालकों, मैं आपको एक एक दो दो समझाऊंगी, आपको खुद को फिल करना है। बालकों क्रीड़ा क्षेत्रे, बालकों क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीड़त, बालकों क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीड़त। अब यहाँ पे क्रीड़त तो दिया गया है, एज इट इज वाक्य ऐसे लिखना है, क्रीड़त है ती तय यहाँ पे आ, तो इसकी जगह क्या आएगा? अक्रीडताम। क्या आएगा? अक्रीडताम, इस तरीके से करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए खे, आपका खे में दिया गया है देवस, देवस स्वपाठम, देवस स्वपाठम स्मरति। अब देखिए ती दिया गया है यहाँ पर, क्या है? ती, तो यहाँ पर क्या आएगा? अत आएगा, तो इसकी जगह हमको चेंज करना है केवल स्मरत है, क्या करना है? स्मरत है। अब आप समझ गए होंगे, ग नंबर का है आपका, जैसे सस्कह तिव्र धावती, तो यहाँ पर क्या दिया गया? धावती दिया गया है, तो धावती के स्थान पर आपको अत करना है, तो क्या आएगा? अधावत। लंग लगा में परिवर्तित करना है, तो अ प्रारंभ में जुड़ता है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, अधावत आएगा यहाँ पर। देखिए ग है आपका, इसमें चलंती दिया गया है, क्या दिया गया है आपको? चलंती, बहुवचन दिया गया है, लंग लकार का भी क्या बनाएंगे हम? बहुवचन बनाएंगे, तो क्या बनेगा? अचलन। क्या बनेगा? अचलन, और एज इट इज वाक्य पूरा लिखना है। उसके पश्चात देखिए लास्ट ये है आपका, नमंती दिया गया है, नमंती, तो इसके स्थान पर भी क्या आएगा? अनमन, बहुवचन का है ना, इसलिए अनमन। ठीक है, और वाक्य पूरा एज इट इज लिखना है। उसके पश्चात देखिए छ है आपका, गच्छत दिया गया है, क्या दिया गया है? गच्छत द्विवचन है, तो उसका भी द्विवचन ए गच्छताम, क्या आएगा? ए गच्छताम, और एज इट इज वाक्य पूरा लिखना है इस तरीके से। देखिए नेक्स्ट है आपका 7 नंबर की एक्सरसाइज, 7 नंबर की जो एक्सरसाइज है, इसमें आपको मंजूषा में फिर वही गम धातु दी गई है और पा धातु दी गई है, पिप की भांति चलेगा। उसके पश्चात आपको हस धातु दी गई है, हंसना होता है। उसके पश्चात खाद धातु, और उसके पश्चात आपको पठ धातु, और उसके पश्चात आपको गई धातु, क्या? गई धातु, इसके रूप गाय के भांति चलेंगे। अब देखिए इनसे आपको वाक्य कंप्लीट करना है। फर्स्ट है जैसे आपका सीता रामेन से बनम, तो क्या आएगा यहाँ पर? सीता रामेन से बनम, तो सीता क्या है? राम के साथ जा रही है, तो द्विवचन आएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे? एगजदम गई, क्योंकि लंग लकार में परिवर्तित करना है। सेकंड है आपका ख, इसमें बालका फलानी, तो क्या आएगा? ए खादन, बालकों ने फल खाए, तो ए खादन, बालकों ने फल खाए। पशु मुखेन जल, पशु ने मुख से जल पिया, तो क्या आएगा यहाँ पर? ए पीवत, पिव की भांति चलेगा, पीवत, इससे पिव। अब लास्ट देखिए नेक्स्ट है इसका, ग है छात्रों पुस्तकालय, क्या करेंगे? ए पठताम, छात्रों ने पुस्तकालय में पढ़ा। ठीक है, उसके पश्चात देखिए बागी से क्या करेगा? हसती, तो हस्ती की जगह क्या आएगा? ए हसत, क्या आएगा? ए हसत। उसके पश्चात देखिए गायिका गीतम, क्या आएगा? गायिका ने गीत ए गायत, क्या आएगा? ए गायत, एक वचन है। इस तरीके से आपको इसमें फिल करना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कर्ता, हमको जो कर्ता है उस कर्ता के गडिंग, अगर कर्ता आपका एक वचन में, तो एक वचन की ही आपको धातु लगानी है, अगर कर्ता द्विवचन में, तो क्रिया भी आपको किसकी लगानी है? द्विवचन की। अगर कर्ता बहुवचन में, तो क्रिया भी आपको किसकी यूज करनी है? बहुवचन की। अब ए प्रारंभ में इसलिए जुड़ा क्योंकि लंग लकार है, और लंग लकार में ए प्रारंभ में जुड़ता है, और रूप बनते हैं अततम अंत। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8, इसमें क्या है आपसे? इसमें भी आपको इसी तरीके से पूछा है, जैसे आपका फर्स्ट है बानरे, इसमें आपको निम्न वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। यहाँ पर आपको अस्मृताम दिया गया है, तो इसकी जगह आपको लिखना है अस्मृत है, आप सही करके लिख लेना। जो ब्लू कलर से दिया गया है वो आपको मिस्टेक, यानी कि वो आपको अशुद्ध करके दिया है, और हमको वाक्य क्या करना है? शुद्ध करना है। अस्मृताम की जगह द्विवचन है, कर्ता किसका? एक वचन का है। देखिए कर्ता किसका दिया गया है? एक वचन का। देखिए एक बार लिख के देख लीजिए,
एक समझा देती हूँ मैं आपको, बाकी आप खुद समझ जाएंगे, समझ जाओगे। देखिए, नेहा स्वपाठम ए स्मरताम। अब देखिए यहाँ पर ये जो है ये द्विवचन का है, किसका द्विवचन का, लेकिन कर्ता हमारा किस में है, एक वचन में है। और एक वचन की धातु क्या, धातु के साथ क्या जुड़ेगा, अत जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, अत जुड़ेगा। तो इसके स्थान पर हमको क्या करना है, अस्मृत करना है, क्या करना है, अस्मृत। आया समझ में? देखिए नेक्स्ट है आपका, देखिए ख, ऐसे दिया गया बाला उद्धाने क्रीडद। तो इसमें क्या करना है, देखिए बाला उद्धाने अक्रीडद, तो बाला बाले बहुवचन है, बाला विसर्ग लगा के दिया है यहाँ पर, बहुवचन है, तो ये भी क्या आएगा, बहुवचन क्या आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, अक्रीडन, क्या आएगा, अक्रीडन। उसके पश्चात देखिए लास्ट ये है आपका अनमताम दिया गया है, अनमताम, उसमें जो करता है आपका क्या है, छात्र, करता क्या है, छात्र, बहुवचन का है, तो आपकी धातु भी किसकी आएगी, बहुवचन की, क्या आएगा, एनमन, क्या बनेगा यहाँ पर इसके स्थान पर, एनमन। देखिए है आपका एगच्छन, क्या है, एगच्छन। अब इसका कर्ता पहचानिए, एक वचन का है, द्विवचन का है, बहुवचन का है, कर्ता देखिए तव है, कर्ता क्या है, तव है, तो कर्तव यानी द्विवचन होता है, तो क्या आएगा, एगच्छतम, क्या बनेगी, अगच्छताम, अगच्छताम, इसके स्थान पर अगच्छताम करना है हमको। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए अभजत है, और अभजत भक्तव है, भक्तव भी क्या है, द्विवचन का है, तो आपको क्या बनेगा इसकी जगह, देखिए यहाँ पर अभजत लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अभजत, इसके स्थान पर हमको क्या करना है, अभजताम करना है, अभजताम, क्या करना है, अभजताम। क्योंकि जैसा आपका कर्ता अगर एक वचन में है तो धातु भी एक वचन की होगी, कर्ता अगर आपका द्विवचन में तो धातु भी द्विवचन की, कर्ता अगर आपका बहुवचन का है तो धातु भी बहुवचन की ही आएगी। देखिए अब आपका 9 नंबर का लास्ट है इसकी एक्सरसाइज, इसमें आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनकी आपको संस्कृत बनानी है। जैसे गीतिका ने पत्र लिखा, गीतिका ने पत्र लिखा, अब देखिए आप बना सकते हो आराम से, गीतिका ने पत्र लिखा, तो पत्र लिखा किसने, गीतिका ने लिखा, यानी कि लिख चुकी है, तो आपको वही लिखना है इस तरीके से, गीतिका नाम है तो इस तरीके से आएगा, गीतिका पत्र लिखा, तो ऐ लिखत, एक वचन है ना, तो आपकी धातु भी किसमें प्रयुक्त होगी, एक वचन में, ऐ लिखत, ठीक है, लिख चुकी है मतलब वो। अब देखिए माता ने भोजन पकाया, सेकंड है आपका, माता ने भोजन पकाया, पका चुकी है मतलब, देखिए तो लंग लकार का वाक्य है, मातृ, मातृ भी लिख सकते हो आप, देखिए मातृ भोजनम, क्या आएगा, अपचत, क्या बनेगा, अपचत। आप देखिए थर्ड नंबर का प्रश्न, थर्ड नंबर का है आपका, राम और शाम खेले, यानी कि खेल चुके हैं वो, तो खेलने को क्या बोलेंगे, क्रीड, क्रीड धातु का अर्थ क्या होता है, खेलना, कैसे बनाएंगे वाक्य, रामे शामे चे, और के स्थान पर क्या लिखेंगे, चे, तो अक्रीडताम, द्विवचन है, अक्रीडताम। आया समझ में? देखिए नेक्स्ट है 4, उन दोनों ने दूध पिया। अब देखिए पिया यानी कि पिव मतलब पीना, पिव मतलब क्या होता है, पीना, अब उन दोनों को क्या बोलेंगे, देखिए तव, क्या बोलेंगे उन दोनों को, तव, दुग्धम, दूध को दुग्धम, ए पीवताम, ए पीवताम, ठीक है। अब देखिए फिफ्थ है आपका, सैनिकों ने रक्षा की, कैसे बनाएंगे, देखिए सैनिक रक्षाम ए कुरु में,
ठीक है, इस तरीके से देखिए लास्ट है, उसने चलचित्र देखा, उसने चलचित्र देखा, उसने चलचित्र देखा, उसने चलचित्र देखा, तो क्या बनाएंगे, तस्य चलचित्रम, है ना। आप देखिए दृश्य को क्या, इसको दृश्य को क्या बोलेंगे, पश्य की तरह, उसने देखा तो उसने एक वचन है, तो क्या आएगा, अपश्यत, अपश्यत, इस प्रकार से वाक्य बनेंगे। देखिए गीतिका ने पत्र लिखा, गीतिका पत्र मैं लिखत, माता ने भोजन पकाया, मातृ भोजन मैं पचत, रामे श्यामे खेले, दो बच्चे दो करता है, रामे श्यामे चय पीड़ता, उन दोनों ने दूध पिया, तो दुग्ध मैं पीड़ता, सैनिकों ने रक्षा की, सैनिका रक्षा मैं करूं, उसने चलचित्र देखा, तस्य चलचित्रम आकर्षक। इस प्रकार से आपकी इस चैप्टर में 9 एक्सरसाइज है, 3 हमने पहले वीडियो में करी और 3 के बाद जो बचती हैं आपकी वो हमने इस वीडियो में कंप्लीट की। आप इसका बहुत सफाई से वर्क करोगे और चेक करवाओगे, ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक यू।